नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ और यूपी की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजा भैया बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राजा भैया बीजेपी का साथ देंगे। राजा भैया और बीजेपी में बात लगभग तय हो गई है। अब ये सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर ने राजा भैया से मुलाकात की है, साथ ही केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी बातचीत के दौरान मौजूद रहे। मुलाकात से सब साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रतापगढ़ में बीजेपी का समर्थन करेंगे राजा भैया, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। और सवाल भी, सवाल यह कि क्या राजा भैया प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, यह सवाल है। लेकिन जो खबर है वो ये कि क्या प्रतापगढ़ में बीजेपी का समर्थन करेंगे राजा भैया, यानी कि सवाल और संदेह दोनों। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, खबर जो आ रही है कि राजा भैया भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान बातचीत कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर भी बातचीत कर रहे हैं, तो क्या माना जाए, क्या राजा भैया बीजेपी का समर्थन करेंगे? देखिए शिवम जी, उत्तर प्रदेश की दो लोकसभा सीटें हैं जहां पर राजा भैया का प्रभाव माना जाता है। बिल्कुल। एक सीट है जो सुरक्षित सीट है, वो है कौशाम्बी, और दूसरी सीट है प्रतापगढ़। खासकर कौशाम्बी सीट पर जो समीकरण है वो परिपेक्ष है, तो राजा भैया का जो जिसको समर्थन कर देगा तो उसके फिर जीत का जो है वो ताज सज सकता है, ऐसा पूरी उम्मीद मानी जा रही है। लेकिन अभी के घटनाक्रम में जिस तरह से कौशाम्बी से जो सांसद है, सिटिंग सांसद है, दो बार के सांसद हैं, भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, विनोद सोनकर ने राजा भैया से मुलाकात की है, उनके साथ जो केंद्र के मंत्री हैं संजीव बालियान से ने भी मुलाकात की है, तो एक मैसेज ये है कि राजा भैया का झुकाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में राजा भैया की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई थी, और एक रणनीति के तहत ये जो पर्चा दाखिल नहीं किया गया है वो एक रणनीति का बड़ा हिस्सा भी हो सकता है। क्यों जी, आपको बता दें कि राजा भैया का अपना एक राजनीतिक दल भी है, उस दल का नाम है जनसत्ता दल। जनसत्ता दल जो है, पिछले लोकसभा की बात करें या फिर विधानसभा के चुनाव की भी बात करें, तो कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की सीटों पर जो है वो जनता दल अपना, जनसत्ता दल अपना प्रत्याशी लड़ाता रहा है। दो सीटों पर विधानसभा की कब्जा है, खुद राजा भैया और दूसरी सीट बाबागंज, जहाँ पर जनसत्ता दल के विधायक है, और प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के जो MLC हैं वो अक्षय प्रताप गोपाल जी, वो भी जो है जनसत्ता दल के हैं। अगर विधान परिषद और विधानसभा में हम संख्या बल के आधार पर बात करें तो जनसत्ता दल की जो हैसियत है वो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से अधिक है। लेकिन जो हाल फिलहाल में बड़ा घटनाक्रम हुआ है लोकसभा चुनाव में, जनसत्ता दल के जो प्रत्याशी कौशाम्बी से लड़ते रहे हैं शैलेंद्र कुमार, उन्होंने पर्चा दाखिल नहीं किया है, और ना ही प्रतापगढ़ की सीट पर जनसत्ता दल के किसी कैंडिडेट ने पर्चा दाखिल किया है। एकदम असमंजस की स्थिति रही है। कहने का मतलब, अब जनसत्ता दल का जो जो भूमिका है वो समर्थन करने तक ही रह गई है, और यही महत्वपूर्ण क्या कहते हैं पार्ट है सियासत का कि आखिर राजा भैया किसको समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल जो खबर आ रही है, राजा भैया ने ये अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, उनके साथ मंत्रणा की, काफी लंबी वार्ता चली, और ये इस बात पर निर्णय लिया गया है, इस तरह की चर्चा आई है। अभी अभी तुरंत की खबर है शिवम जी ये कि राजा भैया ने ये संदेश दिया है कि कार्यकर्ता जो चाहे अपने मन से वो जिस दल को चाहे उसको समर्थन कर सकते हैं। ये कार्यकर्ताओं के विवेक पर छोड़ दिया गया है, राजा भैया की तरफ से इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन शिवम जी, जिस तरह से भाजपा की घेराबंदी चली है राजा भैया की, जो मेल और मुलाकात का दौर जारी रहा है इधर चार पांच दिनों में, उससे एक मैसेज भी ये गया है कि राजा भैया खुद भी चाहते हैं कि उनके कार्यकर्ता
भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संदेश भी देने की कोशिश राजा भैया की तरफ से की गई है। जी अनिल जी, चार चरण का चुनाव बीत चुका है, अब पांचवें चरण का चुनाव है 20 मई को, तो क्या बीजेपी ये कहें कि एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, या एक तरीके से कह लीजिए कि अपने बलबूते चलने की कोशिश कर रही थी कि चार चरण का चुनाव हो गया तब तक राजा भैया का जिक्र नहीं होता है, लेकिन पांचवें चरण आते ही राजा भैया का रुख करती है बीजेपी, क्या बीजेपी देर कर दी कि पहले राजा भैया का रुख करते तो हो सकता है उत्तर प्रदेश में अच्छा राजपूत समाज का वोट उन्हें मिल सकता था, या एक तरीके से कहें कि ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है? ये देखिए शिवम जी, ये एक रणनीति हो सकती है भाजपा की तरफ से, एक अपनी सोची समझी रणनीति है। बात अगर करें भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की, तो राजा भैया ने राज्य सभा चुनाव में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट देकर के ये मैसेज दे दिया था कि वो और उनका जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन अगर बात करें सीट पेयरिंग की, तो ये भी कहा जाता है कि राजा भैया की तरफ से लगातार प्रयास किया जाता रहा कि उन्हें प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में से एक सीट दे दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात नहीं बन पाई और अब जो बात बनी है वो सामने है। अभी हाल फिलहाल में अमित शाह और राजा भैया की मुलाकात, लेकिन जिस तरह से राजा भैया फेल हुए हैं, राजा भैया अब की रणनीति कामयाब नहीं हुई है वो सामने है। राजा भैया की तरफ से कोई भी प्रत्याशी का पर्चा नहीं दाखिल किया गया, ना तो कौशाम्बी सीट पे और ना ही प्रतापगढ़ सीट पे। आपको बता दें शिवम जी की जो 2019 का चुनाव था, कौशाम्बी सीट पर राजा भैया का जनसत्ता दल बड़ी मजबूत स्थिति में था, 1,76,000 वोट मिले थे शैलेंद्र कुमार को, तीसरे नंबर पे थे जनसत्ता दल का कैंडिडेट। क्योंकि ये भी आपको बता दें शिवम जी कि जो बाबागंज विधानसभा है और राजा भैया की जो कुंडा विधानसभा है, ये कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में आती है और इन दो विधानसभाओं में राजा भैया का दखल है। राजा भैया जिसे चाहते हैं वो चुनाव जीतता है और जिसे चाहते हैं वो विधायक बनता है यहाँ पर, और ये आज नहीं, ये पिछले 25-30 सालों से होता आ रहा है। तो इसलिए आज से ये जी अनिल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा जी, खबर ये आ रही है कि राजा भैया भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चार चरणों के बाद पांचवें चरण में उनके पास भारतीय जनता पार्टी को सरेंडर करना ही पड़ा, तो क्या राजा भैया उत्तर प्रदेश में इतने पावरफुल हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उनको शरण में जाना पड़ रहा है? आपके शब्द में समझता हूँ ठीक नहीं है, कोई किसी के राजनीति में शरण में नहीं जाता। जो मदद करते हैं एक दूसरे की वो एक सहयोग कहलाता है जी, वो शरण नहीं कहलाता है, पहली चीज तो। और दूसरी, इस समय मुंबई में हूँ, मुझे भी उत्तर प्रदेश की इस घटना की जानकारी नहीं है। नहीं सर, मैंने आपसे जी मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा कि चार चरण का चुनाव बीत गया, चार चरण तक तो राजा भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, पांचवें चरण में बीजेपी उन तक रुक कर रही है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। देखिए, उनका अभी आपके एंकर के द्वारा पिछले उसके भी यही बताया जा रहा है जो अभी आपके कोई बोल रहे जी, थे जी, ये राजा भैया के जो क्षेत्र का जो चुनाव है वो अब होना है जी, जहाँ पे वो जिनके जहाँ पर दो चार सीटों पर जो उनका प्रभाव है वहाँ पे अब होने वाला है उनके क्षेत्र में, तो जाहिर सी बात जब चुनाव होगा तब उनकी भूमिका होगी इसमें, कहीं किसी के कोई ना इनके शरण में जाता ना वो उनके शरण में आते, ये पारस्परिक सहयोग एक आदर सम्मान के साथ एक दूसरे का होता है। और पहले भी राजा भैया एक अच्छे ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने भाजपा को समय समय पर मदद पहले भी करी है, मानी कल्याण सिंह जी के मंत्रिमंडल में वो रहे हैं, राजनाथ सिंह जी के साथ वो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई ये पहली बार है, पहले भी उन्होंने मदद की है बीजेपी के साथ जी। दिनेश जी, राज्यसभा का जब चुनाव था तो ये बात तो राजा भैया ने खुल के भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था, सबसे बड़ा सवाल जो अब उठ रहा है वो ये कि राजपूत समाज जो है, वो जो राजपूत वोटर है वो बीजेपी से नाराज है, इस वजह से राजा भैया से आप लोग समर्थन ले रहे हैं? ये टेलीविजन में नाराज होगा, पब्लिक में और चुनाव में नाराज नहीं है, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा उड़ाई गई ये अफवाह थी
और उसमें किसी में कोई दम नहीं है। बीजेपी पहली बात तो किसी जाति और धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स नहीं करती है और सभी का सम्मान का भाव उनमें रहता है। लेकिन अगर आप जाति पात की बात करते हैं तो बीजेपी ने पूरा सम्मान दिया है और कहीं से भी किसी जाति वर्ग के द्वारा नाराजगी की खबर कहीं भी नहीं आई है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि अभी तो हालांकि ये सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि राजा भैया आ रहे हैं, क्योंकि आप ही के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान जी, वो उनसे मुलाकात किए, इस बिना पर हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि राजा भैया के आने से भारतीय जनता पार्टी को कितनी ताकत मिलेगी? नहीं, अब जब कोई आएगा ना तब उसे इस पर चर्चा करना ज्यादा उचित होगा, लेकिन निश्चित रूप से उनका एक आधार है, एक राजनेता के रूप में उनका सम्मान है। बिल्कुल, कई बार के वे विधायक हैं और उनका प्रभाव भी अच्छे खासा क्षेत्र पर है, इसलिए अगर कोई भी सोने में सुहागा होगा तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। नहीं, दिनेश शर्मा जी, लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी राजा भैया के पास इसलिए जा रही है क्योंकि चार चरण जो चुनाव बीत चुके हैं उसमें बीजेपी अपने आप को कहीं नहीं पा रही है, इसलिए अब बीजेपी बाकी और जो नेता हैं जो अपने इलाके में या कह लीजिए दो तीन सीट पर अपना उनका जो एक तरीके से कह लीजिए कि जलवा है, अब उसके साथ बीजेपी जा रही है क्योंकि बाकी चार चरण में बीजेपी हार चुकी। ये भूत की बात आप कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जितना भी जोर लगा ले तो दो तीन सीटें अगर मिल जाए तो ये उनका भाग्य होगा। भारतीय जनता पार्टी बड़े प्रचंड बहुमत से सभी जाति धर्म का सहयोग प्राप्त करके और एक भारी जीत की तरफ बढ़ी है। 400 का लक्ष्य पूरा करने में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान होगा और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आप ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में मोदी मैजिक चल रहा है। ठीक है जी, दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया वॉइस से बातचीत करने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से दिनेश शर्मा जी ये कह रहे हैं कि एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के पास जाकर मदद मांग रहे हैं, सहयोगी हैं हम और कुछ नहीं है, आप देख सकते हो, जिसे यही कहा जा सकता है क्योंकि सियासत में तब किसको किसके पास जाना पड़े इससे कुछ नहीं कहा जा सकता है। आज जरूरत जो है उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी को है, राजा भैया पार्टी को, राजा भैया और उनकी पार्टी को उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि राजा भैया की पार्टी के कैंडिडेट ना तो कौशाम्बी से चुनाव मैदान में उतरे हैं और ना ही प्रतापगढ़ से चुनाव मैदान में है। तो ये भी हो सकता है सीएम जी ये रणनीति का हिस्सा हो क्योंकि राजा भैया जैसे मजे खिलाड़ी और उनकी पार्टी के कैंडिडेट पर्चा ना दाखिल करें तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तो ये खेल है, ये पहले से तय शुदा स्क्रिप्ट है, अब क्या इस पर्दे के पीछे का खेल है ये तो अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पांचवें चरण शुरू किया जी। जी अनिल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है फिलहाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान, आपको बता दें उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल को लेकर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसुलूकी हुई थी, विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसुलूकी की थी और संजय सिंह इसे एक बेहद निंदनीय घटना बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेहद निंदनीय घटना घटी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस बात को कबूला और अरविंद केजरीवाल ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। ये कह रहे हैं संजय सिंह, दोषी पर सख्त कार्रवाई होगी, हम सब स्वाति मालीवाल के साथ हैं। तो मुख्यमंत्री के पर्सनल असिस्टेंट पीए ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है। एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी,
ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है, ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता हैं स्वाति मालीवाल और उनके साथ जो हुआ वो निंदनीय है और इस पर मुख्यमंत्री जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरीके से आज 36 घंटे बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बकायदा इस पूरी घटना को कबूल करते हैं, कल तक इस घटना की सुगबुगाहट के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने इसे हाथों हाथ लिया तब जाकर आम आदमी पार्टी बैकफुट पर जाती है और आज संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ घटना घटी है। ऐसे में सवाल यह बन जाता है कि 36 घंटे बीत जाने के बाद भी विभव कुमार जो कि पर्सनल असिस्टेंट हैं अरविंद केजरीवाल के, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए बिल्कुल शुभम, यहाँ अगर मैं बात करूँ आम आदमी पार्टी से जो राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, जिन्होंने कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने कोई लिखित शिकायत नहीं दी थी लेकिन PCR कॉल हुई है और कल जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने पुष्टि भी की है इस बात को लेकर के। हालांकि कल तक आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से इस मामले में चुप्पी साधी हुई थी और आज आखिरकार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इस मामले में सामने आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बयान देते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में संज्ञान लिया है और जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि संजय सिंह के इस बयान के बाद एक बार फिर से राजनीति और तेज हो गई, जहां को भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर फिर निशाना साधा है। साफ कहा है कि इतने घंटे बाद उन्हें ये याद आती है कि उनके साथ इस तरीके से महिला के साथ व्यवहार हुआ है जो प्रखर तौर पर चीजों को प्रमुखता से रखती हैं और कहीं ना कहीं अब जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो संज्ञान लेंगे ये निंदनीय है। ये कहीं ना कहीं इस घटना पर जिस तरीके से वो खुद उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं कपिल मिश्रा ने भी इसको लेकर के अपना बयान दिया और साफ तौर पर इसके पीछे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि CM हाउस में इस तरह की घटना हुई है और वो विभव कुमार जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं तो उनकी अनुमति के बिना ये कैसे संभव है। निश्चित तौर पर जहां एक और कल इस पर राजनीति देखने को मिल रही थी वहीं अब जब आम आदमी पार्टी के तरफ से इस पर मामले पर बयान आया है तो इस पर भी अब राजनीति तेज हो गई है और भाजपा इसको आक्रामक तेवर में ले रही है। जी शिवा जी, अजीत सबसे बड़ा सवाल ये है कि विभव कुमार जो कि पर्सनल असिस्टेंट हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के, वो बिना मुख्यमंत्री के परमिशन के क्या वो इस तरह का काम कर सकते हैं कि एक महिला जो एक तरीके से महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हो, सामाजिक कार्यकर्ता रही हो और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हो, उसके साथ पर्सनल असिस्टेंट अपने मर्जी से इस तरीके की अभद्रता कर सकता है कि महिला सांसद को PCR कॉल करना पड़ता है दिल्ली पुलिस को? ऐसे में आम आदमी पार्टी की नियति और उनकी कार्यशैली पर सवाल क्यों ना खड़ा हो कि अभी तक 36 घंटे बीत गए और 36 घंटे बाद
सांसद जो हैं संजय सिंह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अब कार्रवाई की जाएगी, अभी तक क्या किया जा रहा था 36 घंटे के अंदर? देखिए बिल्कुल शुभम, भाजपा की तरफ से यही जो सवाल है वो खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कल दिन भर जिस तरीके से प्रकरण रहा, राजनीतिक गलियारों में खलबली देखने को मिली और लगभग कई घंटे के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर के पुष्टि हुई कि हाँ जो कॉलर महिला थी वो खुद स्वाति मालीवाल थी और वो खुद जो सिविल लाइन थाने पहुंची थी वहां पर उन्होंने मौखिक तौर पर शिकायत दी थी, हालांकि उन्होंने लिखित जो शिकायत है वो नहीं दी और कल जिस तरीके से उसमें बुगाहट देखने को मिली, अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से चुप्पी साधे हुए थे और अब आम आदमी पार्टी से सांसद जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले को, और उसमें भी उन्होंने कोई अभी तक ये नहीं कहा कि ये कार्रवाई की गई है। सांसद संजय सिंह ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और यही जो मामला है वो भाजपा इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर आक्रामक तेवर दिखा रही है। भाजपा की तरफ से यहाँ तक ही कहा गया है कि जो स्वाति मालीवाल ने लिखित शिकायत नहीं दी है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के कारण ही ये रहा है कि उन्होंने लिखित शिकायत नहीं दी है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भाजपा इस मामले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा रही है। और क्यों ना हो, जब इतने घंटे बीत जाने के बाद भी वो सिर्फ यही कहते हैं कि मामले को संज्ञान में लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अजीत, अभी आपने कहा कि स्वाति मालीवाल जाती हैं लेकिन लिखित शिकायत नहीं करती, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब तो यही हो सकता है कि समाज अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी पार्टी, उनके जो नेता हैं, एक तरीके से स्वाति मालीवाल पर दबाने की उनको दबाव बनाया गया उनके ऊपर और इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने इसे हाथों हाथ लिया तब जाकर संजय सिंह सामने आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। देखिए बिल्कुल शिवम, इसके कई राजनीतिक कारण हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि एक मुख्यमंत्री के निजी सचिव पर यह आरोप लगा है और जब वो खुद भी आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, इससे पहले वो खुद दिल्ली महिला आयोग की, और अजीत निजी सचिव पर सिर्फ आरोप नहीं लगते हैं, एक तरीके से सीएम आवास के अंदर ये घटना घटती है तो ये घटना कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सीएम हाउस के अंदर इस तरह का अगर मामला आता है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल जरूर खड़े होते हैं और यही एक वजह है कहीं ना कहीं कई राजनीतिक कारण और कई राजनीतिक माइनस के माने जा रहे हैं जिसकी वजह से जो स्वाति मालीवाल है उन्होंने लिखित शिकायत नहीं दी और यही एक वजह है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है और पूरे तरीके से निशाना साध रही है कि आखिरकार जब मामला होता है पीसीआर कॉल होती है थाने भी जाती है स्वाति मालीवाल लेकिन लिखित शिकायत क्यों नहीं होती है? बिल्कुल, क्योंकि उन पर राजनीतिक दबाव बनाया गया और इसीलिए उन्होंने लिखित शिकायत नहीं दी। जी शिवम जी, अजीत बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं मऊ में अपने बेटे अरविंद राजभर के लिए, ओम प्रकाश राजभर के लिए वोट मांगने गए, राजभर ने एक बड़ा बयान दिया है जो जमकर अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि एक नुक्कड़ सभा के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने जनता से कहा कि वो जनता से दोस्ती करना चाहते हैं, उनका समझौता बीजेपी के साथ है, हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी है। इसके बाद राजभर ने पूछा कि छड़ी पर वोट देने में कोई दिक्कत तो नहीं है, जिस पर लोगों ने कह दिया कि दिक्कत तो है। राजभर ने लोगों को जवाब देते हुए कहा कि फिर मत देना वोट। चाहते हैं कि तो साथ ही हमारा मकसद कहने का ही है, हम चाहते हैं कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, बेशक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमारा समझौता है, हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी है, छड़ी पर तोड़ देने से कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत है, इतने लोग अच्छा छड़ी है, दिक्कत ना आता ही मत दीजिएगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो साथी हमारा मकसद कहने का ही है, हम चाहते हैं कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, बेशक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमारा समझौता है, हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी है, छड़ी पर तोड़ देने से कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत है, इतने लोग अच्छा छड़ी है, दिक्कत ना आता ही मत दीजिएगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो साथी हमारा मकसद कहने का ही है, हम चाहते हैं कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, बेशक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं,
हमारा समझौता है, हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी है, तो छड़ी पर तोड़ देने से कोई दिक्कत नहीं है ना? है, बोलिए, दिक्कत है। इतने लोग अच्छा छड़ी है, दिक्कत ना? आता ही मत दीजिएगा, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि रांची से बड़ी खबर, आपको बता दें मंत्री आलमगीर आलम पर ईडी का शिकंजा, आलमगीर आलम से ईडी की पूछताछ जारी। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, सचिव संजीव कुमार लाल के सामने बैठा कर उनसे पूछताछ हो रही है। तो आमने सामने बैठा कर ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। तो रांची से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मंत्री आलमगीर आलम पर ईडी का शिकंजा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर, भारत नेपाल सीमा पर एक चीनी जासूस को पकड़ा गया है, पीएलए का जवान निकला है चीनी नागरिक। तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जवान है चीनी नागरिक जिसे पकड़ा गया है। कई दिनों से चीनी नागरिक लगातार रेकी कर रहा था और अब एसटीएफ और आईबी की टीम सिद्धार्थनगर पहुंची है पूछताछ करने के लिए। टीम सिद्धार्थनगर चार दिन अब पहुंच चुके हैं और चार दिन पहले सिद्धार्थनगर से पकड़ा गया था चीनी नागरिक। अब एसटीएफ और आईबी इस चीनी नागरिक से पूछताछ करेगी। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे सिद्धार्थनगर से, कई दिनों से चीनी नागरिक रैकी कर रहा था, एसटीएफ और आईबी टीम सिद्धार्थनगर पहुंची है और अब इस चीनी नागरिक से पूछताछ की जाएगी। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार। We'll be right back.